ये विनीत कौन है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल निशिकांत दुबे ने अपनी ट्वीट के जरिए उठाया है। आए दिन निशिकांत दुबे ट्वीट के माध्यम से कुछ न कुछ खुलासे करते रहते हैं। अब निशिकांत दुबे ने एक नया सगुफा छोड़ा है और ट्वीट कर पूछा है कि विनीत कौन है। बड़ा रसूखदार है दरबार में, गजबे तिलिस्म है रे भाई। इस ट्वीट के बाद से लोग समझने में लगे हैं कि वाकई ये विनीत है कौन। आपको क्या लगता है, कौन है ये विनीत? खैर, समझने वाले तो समझ ही रहे हैं और निशिकांत दुबे की ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, ये बिल्कुल ये एक जांच का विषय है कि आखिर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को घटना के पहले कैसे उन्हें पता चल जाता है कि ये घटना घटने वाली है या ये घटना घटित होने वाली है या इस घटना के दोषी ये हैं। तो ये तो बिल्कुल जांच का विषय है कि आखिर निशिकांत दुबे को कैसे पता चलता है। आपको पता होगा या राज्य की जनता ने भी उनका ट्वीट देखा होगा कि कैसे जब ईडी की छापेमारी 10 बजे शुरू होती है और निशिकांत दुबे का ट्विटर 7 बजे ऑन हो जाता है, तो आखिर ईडी की जो छापेमारी होती है वो गोपनीय तरीके से होती है, ये पता नहीं चलता है किसी को। तो आखिर निशिकांत दुबे को ये कैसे पता चल जाता है? तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक षड्यंत्र की कोठली केंद्र सरकार की है, वो उस कोठली के निशिकांत दुबे अभिन्न अंग है और यह इसी का प्रमाण होता है। यही तो इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस जो है, हम लोग क्यों बार बार कहते थे कि सारे संस्थाओं को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, पूरे जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये तो उसका सीधा साधा जीता जागता आप लोगों के पास में उदाहरण। अब इससे आप ही लोग समझ लीजिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी हमेशा कहती आई है कि निशिकांत दुबे की ट्वीट में दम होता है, वो यूं ही कुछ नहीं लिखते। तो जरा सुनिए बीजेपी नेता की प्रतिक्रिया। निशिकांत जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ सांसद हैं, स्वाभाविक रूप से उनके पास कई स्रोत रहते हैं और वो तो कोई छिपे रुस्तम तो कुछ कर नहीं रहे, वो ओपनली ट्वीट करके बता रहे हैं। तो अगर कोई उसमें इफ बट हो तो उसका खंडन करना चाहिए लोगों को जो इसके विरोध में है, और नहीं तो बात को स्वीकार करना चाहिए। बहरहाल, पूजा सिंघल मामले में ईडी की जांच की आंच अब दूर तक जा रही है। सत्ता के गलियारे तक पहुंची इस आंच में कई नाम सामने आ रहे हैं, रोजाना एक नए नाम का खुलासा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईडी के अलावा अगर कोई इस केस में सबसे ज्यादा एक्टिव है तो वो है सांसद निशिकांत दुबे। ईडी की जांच तो इस मामले को लेकर चल ही रही है, लेकिन निशिकांत दुबे की अपनी एक अलग जांच चल रही है। अच्छी बात है, देखते हैं और क्या क्या नया नया खुलासा निशिकांत दुबे करते हैं। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल प्रकरण मामले में जितनी निगाहें लोगों की ईडी जांच पर लगी हुई है, उतनी ही निगाहें लोगों की निशिकांत दुबे के ट्वीट पर ही है, क्योंकि निशिकांत दुबे हर दिन ट्वीट के माध्यम से एक नया खुलासा करते नजर आ रहे हैं। इन दिनों निशिकांत दुबे की ट्वीट विनीत कुमार पर अटकी है। कौन है ये विनीत कुमार और इनके सत्ता पक्ष से क्या है रिश्ते, लोग जानने के लिए बेकरार हो गए हैं। वहीं निशिकांत दुबे के इस जांच पर जहां सत्ता पक्ष कई सवाल खड़ा कर रहा है, तो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने इनके जांच पर मुहर लगाई है। बहरहाल, देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से निशिकांत दुबे ने एक नया खुलासा करते हुए विनीत नामक व्यक्ति का खुलासा किया है, कौन है ये विनीत और क्या है इनका सत्ता पक्ष से रिश्ता, ये लोग जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जिस तरह से ईडी लगातार जांच में जुटी है, निशिकांत दुबे भी ट्वीट के माध्यम से कई सवाल खड़ा कर रहे हैं और कई खुलासा करते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला और कब तक इस पूरे मामले पर खुलासा होगा और कितने सफेदपोश इस पूरे मामले पर लिप्त होंगे, ये देखने वाली बात होगी। संवाददाता मनीष और सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफी समी, न्यूज़ विंग, रांची।